से हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा की जोरों पर तैयारी। उदयभान ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया है, सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने संबोधित किया है। 21 दिसंबर को हरियाणा में प्रवेश करेगी यात्रा। भारत जोड़ो यानी कि नफरत को प्यार से जोड़ो, दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि भारत जोड़ो यानी कि नफरत को प्यार से जोड़ो, यात्रा के माध्यम से भारत को जोड़ेंगे, दीपेंद्र हुड्डा ने कहा। तो हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा की जोरों पर तैयारी, यानी कि 14 कमेटियां जो बनाई गई हैं, जिन्हें नई जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, वो अपना वर्क करती हुई नजर आएंगी। तो सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने संबोधित किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा 21 दिसंबर को हरियाणा में प्रवेश करेगी यात्रा। हम सब मेहनत कर रहे हैं और हरियाणा में इस यात्रा का बहुत अभूतपूर्व स्वागत किया जाएगा, क्योंकि हरियाणा की जनता भाजपा की नीतियों से और खट्टर सरकार की परफॉर्मेंस से बहुत त्रस्त आ चुकी है और देश में और प्रदेश में बदलाव हरियाणा की जनता लाना चाहती है और कांग्रेस पार्टी की तरफ आशा भरी नजर से देख रही है, राहुल गांधी जी की तरफ आशा भरी नजर से देख रही है। और हरियाणा में 10 साल के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समय कांग्रेस पार्टी की सरकार के जो विकास कार्य है उनको प्रदेश की जनता याद करती है। तो ये सारे कारण है, हरियाणा के अंदर अभूतपूर्व स्वागत होगा। बहुत जबरदस्त जोश है लोगों में, बहुत जबरदस्त जोश है, आप खुद ही देख सकते हैं, आप गवाह इस बात के। बहुत अच्छा जोश है, जबरदस्त हरियाणा के अंदर, बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा हरियाणा के अंदर आपको दिखाई देगा। देश में सबसे ज्यादा जोश भारत जोड़ो यात्रा का, देश का जोश का रिकॉर्ड हरियाणा में टूटेगा। तीनों जिले टच हो रहे हैं इस रूट में, मेवात, गुड़गांव, फरीदाबाद, और ये जो है कहते हैं जो रूट बनाने वाले हैं उनसे हुड्डा साहब की और हम लोग की सबकी बात हुई, तीनों जिले इसमें टच हो ये हमने ध्यान रखा, और मेवात से इसकी एंट्री हो, तो ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए सबके लिए गर्व की।